हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे पास एक बहुत ही एक्साइटिंग फोन और इसका नाम है ओप्पो रेनो। ओप्पो रेनो सीरीज में ये पहला फोन है जो कि इंडिया में आया है और ये फोन बहुत ही स्पेशल है कुछ अलग फीचर्स की वजह से, क्योंकि इसमें आपको 10x का जूम मिल जाता है और 60x तक का जूम मैक्सिमम मिल जाता है, जो कि आप डिजिटल जूम मान सकते हैं। 6x का ऑप्टिकल जूम मिल जाता है। साथ ही साथ इस फोन के अंदर बहुत ही अलग तरह का डिजाइन मिलता है फ्रंट कैमरा के लिए, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, जिसे शार्क डिजाइन बोलते हैं बेसिकली, और कुछ इस तरह से इसका बॉक्स दिखता है। तो आज हम करने वाले अनबॉक्सिंग में इतना तो कह सकता हूं अनबॉक्सिंग करने से पहले कि पहली बार मैंने जो फोन का बॉक्स है वो इतना लंबा देखा है। इतना लंबा बॉक्स मैंने आज तक कभी फोन का नहीं खोला है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस फोन के बॉक्स के अंदर देखने के लिए कि क्या कुछ मिल रहा है, और साथ ही साथ इसकी जो प्राइस है वो मुझे नहीं पता। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ और दिखाते हैं क्या कुछ है इस बॉक्स के कंटेंट में, और फिर करेंगे इसका फर्स्ट लुक रिव्यू। इस बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हैं कि कैमरा का डिजाइन और जो डिवाइस के पीछे डिजाइन है ओप्पो का इस फोन के अंदर वो भी बना हुआ है। इसकी MRP आप बॉक्स पे देख सकते हैं तकरीबन 55,000 है। तो देखते हैं कि किस प्राइस पे लॉन्च होता है। अगेन MRP हमेशा ज़्यादा होती है जब आप मार्केट में लेने जाते हैं, तो जो उसकी अनाउंस प्राइस होती है उसी पे फ़ोन जो है मिलता है आपको। ये टॉप एंड वेरिएंट है ओप्पो रेनो का और इसमें आपको 8GB की रैम मिल जाती है और 256GB की स्टोरेज मिल जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ और देखते हैं कि इस फ़ोन के बॉक्स में आपको क्या कुछ मिल जाता है। तो सबसे पहले मिलते हैं यहाँ पे कुछ यूज़र मैनुअल्स, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वारंटी गाइड है और बाकी और इन्फॉर्मेशन है फ़ोन के बारे में। यहाँ पे इस यूज़र मैनुअल को देखने पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट इस फ़ोन में आपको मिल जाता है, साथ ही साथ NFC का सपोर्ट भी यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद बॉक्स के अंदर और अंदर जाने पर आप देख सकते हैं कि अब मिलता है आपको फ़ोन जिसमें आपको की फीचर्स लिखे गए हैं, जैसे कि 10x हाइब्रिड जूम इस फोन में मिलता है आपको, AMOLED डिस्प्ले मिलता है, अल्ट्रा नाइट मोड मिलता है, और साथ ही साथ वोक चार्जिंग 3.0 भी मिल जाती है, जो कि एक बड़ी बैटरी के साथ इस फोन में आपको मिलती है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस फोन में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप रियर में मिल जाता है, साथ ही साथ एक बहुत बढ़िया डिज़ाइन भी देखने को मिलता है। ये फ़ोन काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और बहुत ही प्रीमियम फील होता है। इसमें आपको 3D कर्व गोरिल्ला ग्लास बैक साइड पर मिल जाता है। 3D कर्व गोरिल्ला ग्लास होने के साथ साथ इस फ़ोन की लुक एंड फील को बहुत ही प्रीमियम रखा गया है। आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ आपको एक बहुत ही अच्छी मैट फिनिशिंग के साथ साथ एक ग्लॉसी लुक भी मिलती है। इस फ़ोन के साथ आपको जो केस इसके पैकेज में मिलता है वो कोई सिलिकॉन केस नहीं है, यहाँ पे एक अलग ही तरह की फिनिशिंग आपको इस केस में मिल जाती है। ये रबराइज मटेरियल लगा मेरे को, हालांकि कुछ हद तक ये लेदर जैसा फील होता है, लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक एंड फैब्रिक का यूज़ किया गया है इस केस को बनाने के लिए। एक बहुत ही अच्छा स्पेशल तरह का केस आपको इस फ़ोन के पैकेज में मिलता है। इसके बाद आपको पैकेज के अंदर एक USB-C केबल मिल जाती है, जो कि एक फास्ट चार्जिंग केबल है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर फास्ट चार्जर भी पैकेज के अंदर मिलता है, जैसे कि आप देख रहे हैं आपको यहाँ पे VOOC 3.0 वाला फास्ट चार्जर मिलता है। इसका आउटपुट करंट 4 एम्पियर मैक्सिमम आपको मिल जाता है। आजकल देखा जाता है कि आपको फ़ोन के बॉक्सेस में हेडफोन नहीं मिलते हैं, लेकिन इस फ़ोन के बॉक्स में आपको एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इन ईयर हेडफोन्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन वाइज ये इन ईयर हेडफोन्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं और यहाँ पे मेटल हेड भी आपको इन ईयर हेडफोन्स पे मिल जाता है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा ईयरबड्स भी इसके पैकेज में ही मिल जाती हैं इन हेडफोन के साथ। सबसे लास्ट चीज़ जो कि आपको पैकेज में मिलती है वो है यहाँ पे सिम इंजेक्शन टूल, जैसा कि आप देख रहे हैं आपको ये भी पैकेज में मिल जाता है। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि इवन महंगे फ़ोन में भी आपको इनबिल्ट केस जो पैकेज में मिलता है वो इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन इस फ़ोन में बात कुछ और है। अब देखा जाए तो यहाँ पे दो फ्लैगशिप फ़ोन हमारे सामने हैं और आपको दोनों में ही पेरिस्कोप कैमरा मिल जाता है। अगर हम बात करें ओप्पो रेनो की तो उसमें आपको 60x तक का जूम मिल जाता है, जबकि P30 Pro आप देख सकते हैं कि उसमें आपको 50x का जूम मिल जाता है। लेकिन अगर आप इन डिवाइसेस को कैमरा बल्ज में देखें तो कमाल की बात यह है कि ओप्पो रेनो में आपको कैमरा बल्ज देखने को नहीं मिलता है, जबकि Huawei P30 Pro में आपको काफ़ी ज़्यादा कैमरा बल्ज वहाँ पे देखने को मिलता है, जिससे अगर आप डिवाइस को बैक साइड पे रखेंगे तो कैमरा का ग्लास स्क्रैच हो सकता है ओवर टाइम। ओप्पो रेनो में आपको काफ़ी बड़ा 6.4 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है और ये गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन के साथ आता है। डिस्प्ले की क्लैरिटी यहाँ पे लाजवाब है, व्यूइंग एंगल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो,
डिस्प्ले काफ़ी अच्छा और कलरफुल यहाँ पे देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। हमने इसकी ब्राइटनेस टेस्ट करी और यहाँ पे इस एमोलेड डिस्प्ले की ब्राइटनेस नॉर्मल फ्लैगशिप फ़ोन से भी ज़्यादा हमें देखने को मिली है। एक और जो चीज़ मैंने नोटिस करी इस फ़ोन के ऊपर वो है इसका अल्ट्रा थिन बेजल्स। आप देख सकते हैं कि इस फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो फुल व्यू डिस्प्ले तो आपको मिल ही रहा है, साथ ही साथ टॉप हो या बॉटम हो या एजेस हो, राइट या लेफ्ट, हर तरफ आपको काफ़ी थिन बेजल्स देखने को मिलते हैं और काफ़ी बड़ा और इमर्सिव डिस्प्ले यहाँ पे इस फ़ोन में मिल जाता है। तो डेफिनेटली डिस्प्ले इस फ़ोन में कमाल का दिया है। बॉटम एजेस पे आपको USB-C पोर्ट मिलता है, लाउड स्पीकर मिल जाता है, प्राइमरी माइक्रोफोन होल मिल जाता है, साथ ही साथ मिलती है एक सिम ट्रे जो कि एक हाइब्रिड सिम ट्रे है और यहाँ पे कनेक्टिविटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। हालांकि फ़ोन में स्टोरेज काफ़ी है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टोरेज के हिसाब से इस फ़ोन में। इस फ़ोन में आपको टॉप पे मिलता है एक पॉपअप कैमरा और ये पॉपअप कैमरा थोड़ा सा अलग तरीके से खुलता है, उसको आपको बाद में दिखाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है और एजेस पे ये थोड़ा सा मोटा फील होता है। फ़ोन का वेट भी यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, उसके बारे में और बताएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक वॉल्यूम रॉकर मिल जाता है जो कि एक मेटलिक बटन है। राइट एजेस पे आपको मिलता है पावर बटन और इस पर हल्का सा कलर किया गया है जिससे आप पहचान सकें इस बटन को, और इस पर हल्का सा टेक्सचर भी आपको मिलता है। इस फ़ोन में आपको तीन कैमराज मिलते हैं। सबसे पहला कैमरा है यहाँ पे 48 मेगापिक्सल कैमरा जिसमें अपर्चर आपको f1.7 का मिल जाता है। इसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा जिसका अपर्चर है f2.2 और ये 120 डिग्रीज की वाइड एंगल फ़ोटो कैप्चर कर सकता है। और सबसे नीचे मिलता है आपको 13 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा जो कि एक टेलीफोटो लेंस है जिससे आपको 60x तक का जूम मिल जाता है। इसमें आपको 6x का ऑप्टिकल जूम है, 10x का हाइब्रिड जूम है और टोटल जूम मिला के 60x है इस फ़ोन पे। बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी रॉक सॉलिड है। आपको मेटल एजेस मिल जाती हैं और एंटीना बैंड्स भी आपको मेटल के फ्रेम पे मिलते हैं जो कि आपको एजेस पे दिख जाते हैं आसानी से। बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के मामले में ओप्पो रेनो एक बहुत ही प्रीमियम फ़ोन है। आप देख सकते हैं कि पीछे की बैक फिनिशिंग बहुत ही सुंदर इस फ़ोन में मिलती है, साथ ही साथ यहाँ पे डिज़ाइन बाय ओप्पो लिखा गया है और ओवरऑल लुक एंड फील में ये फ़ोन काफ़ी प्रीमियम फील होता है। नोटिफिकेशन टॉगल में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप सारे फीचर्स को यहाँ पे ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। NFC दिया गया है इस फ़ोन में, नाइट मोड भी आपको मिल जाता है वो भी एक बहुत ही अलग तरीके से, और उसको अनेबल करने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्क्रीन जो है फेड हो जाती है। आप चाहें तो स्क्रीन का टेम्परेचर और कलर वगैरह को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस फ़ोन में आपको एंड्रॉयड 9 मिलता है और साथ ही साथ कलर OS का लेटेस्ट वर्जन भी यहाँ पे मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से यहाँ पे सेटिंग्स हैं इस फ़ोन की, इसमें सारी डिटेल्स आपके सामने हैं। ओप्पो रेनो के इस नए फ़ोन में आपको स्नैपड्रैगन 855 यानी कि टॉप नॉच का प्रोसेसर मिल जाता है। प्रोसेसिंग पावर की कोई कमी नहीं है इस फ़ोन पे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं बाकी डिटेल सिस्टम के बारे में। इसके अलावा बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको एक बड़ी बैटरी भी इस फ़ोन में मिल जाती है जिससे आपको खूब सारा बैकअप मिल जाता है और फास्ट चार्जिंग का फीचर भी मिल जाता है क्योंकि फास्ट चार्जर पैकेज के अंदर ही दिया गया है। सेंसर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी सेंसर का कॉम्प्रोमाइज इस फ़ोन में नहीं है, आपको सारे एसेंशियल सेंसर्स इस फ़ोन में मिल जाते हैं। इस फ़ोन का वेट थोड़ा सा ज़्यादा लगा मेरे को, 213 ग्राम का ये फ़ोन है, थोड़ा सा भारी फील होता है लेकिन समय के साथ आप यूज्ड हो जाएंगे। यहाँ पे बड़ी बैटरी और बड़ा डिस्प्ले इसका रीज़न है जिसकी वजह से थोड़ा सा भारी है। इस फ़ोन का जो फ्रंट कैमरा है वो काफ़ी डिफरेंट है और देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से एक पॉपअप की तरह बाहर निकल के आ जाता है। अब इसको पॉपअप सेल्फी कैमरा आप बोल सकते हैं लेकिन ओप्पो का कहना है कि एक शार्क फिन डिज़ाइन सेल्फी कैमरा है क्योंकि ये जो कंपोनेंट है ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि शार्क की फिन हो। आप देख सकते हैं कि इसमें फ्रंट में कैमरा है और रियर में फ्लैश दी गई है। अब क्योंकि रियर कैमरा के अराउंड कोई भी फ्लैश नहीं है तो यहाँ पे पॉपअप सेल्फी कैमरा में ही फ्लैश आपको मिल जाती है। इस सेल्फी कैमरा में आपको ड्रॉप प्रोटेक्शन भी मिलता है, इसका मतलब अगर गलती से आपने ड्रॉप कर दिया तो ये डिटेक्ट कर लेता है उस ड्रॉप को और बंद हो जाता है अपने आप। एंटूटू बेंचमार्क आप देख सकते हैं कि काफ़ी शानदार है और रैंकिंग के अंदर आप देख लीजिए कि किस तरह से डिवाइस रैंक करता है अमॉन्ग अदर डिवाइसेस। एक चीज़ जो कि देखने को मिलती है कलर OS वाले सारे डिवाइसेस में, इंक्लूडिंग ये भी एक फ्लैगशिप फ़ोन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा ब्लॉटवेयर आपको मिलता है जो कि आप हटा सकते हैं अगेन मैन्युअली, बट अगर आपकी एप्लीकेशन नहीं हटाएंगे तो आपको बहुत सारी नोटिफिकेशन स्पैम देखने को मिलेगा इस फ़ोन में। कैमरा के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया कैमराज यहाँ पे मिल जाते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस फ़ोन में आप 1x जूम,
फिर 2x जूम, फिर 6x जूम और उसके बाद 10x हाइब्रिड जूम तक पहुंच सकते हैं, और उसके बाद भी आप मैन्युअली पिंच टू जूम करके 60x तक का जूम अचीव कर सकते हैं। रियर कैमरा की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है इस फ़ोन पे। अगर आप इंडोर में भी फ़ोटोज़ लेंगे तो कुछ इस तरह की फ़ोटो आपको मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छे कलर्स और काफ़ी अच्छे डिटेल्स के साथ कैप्चर हुई है। तो यहाँ पे रियर कैमरा तो बहुत बढ़िया काम करता है, और इवन वो एक्शन फिगर्स पे भी काफ़ी अच्छी डिटेल्स और क्लैरिटी ऑफ कलर्स दे देता है। आप देख सकते हैं कि ओवरऑल फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी आ रही हैं इंडोर के हिसाब से इस फ़ोन में, और अगर हम बात करें आउटडोर पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ की तो कुछ इस तरह की क्लैरिटी आपको मिल जाती है आउटडोर पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ में, जो कि अगेन यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। और ओवरऑल देखा जाए तो कैमरा इस फ़ोन का अच्छा आपको मिल जाता है। ग्राफिक्स आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाते हैं इस फ़ोन के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हैं, और कोई भी हैवी ग्राफिक इंटेंसिव गेम आप बहुत ही स्मूथली खेल सकते हैं ओप्पो रेनो में, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले तो बहुत ही बढ़िया है, साथ ही साथ जीपीयू भी काफ़ी पावरफुल है इस फ़ोन का, और आप हाई एंड गेमिंग बहुत स्मूथली कर सकते हैं। इवन आप एस्पेल 9 को फुल ग्राफिक सेटिंग पर चलाएंगे तो एक एक क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी, सारे इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, और कहीं पर भी कोई फ्रेम ड्रॉप आप नोटिस नहीं करेंगे इस फ़ोन पर। तो गेमिंग के हिसाब से तो डेफिनेटली इसमें कहीं कोई शिकायत आपको नहीं आने वाली है। बाय डिफ़ॉल्ट पबजी के गेम प्लेबैक में ये फ़ोन के अंदर आपको हाई ग्राफिक सेटिंग्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी हाई हैं, लेकिन फिर भी अगर आप और बेहतर ग्राफिक्स चाहते हैं तो ग्राफिक्स में जाके आप ग्राफिक्स को HDR कर सकते हैं और फ्रेम रेट को अल्ट्रा कर सकते हैं, और उसके बाद भी गेम स्मूथली चल जाता है इस फ़ोन पे। तो कुछ इस तरह से आपको ग्राफिक्स काफ़ी स्मूथ मिल जाते हैं इस फ़ोन पे, इवन व्हेन ये गेम यहाँ पे हाईएस्ट पॉसिबल ग्राफिक सेटिंग पे चल रहा है, और कहीं कोई लैग या कोई फ्रेम ड्रॉप देखने को आपको नहीं मिलेगा। फ्रंट सेल्फी कैमरा की परफॉर्मेंस देखें तो कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है, और सेल्फी जो है यहाँ पे इंडोर में कैप्चर हुई है, और फिर भी कितनी ब्राइट सेल्फी यहाँ पे मिल रही है आप देख सकते हैं। और ओवरऑल डिटेल्स की बात करूँ तो यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन मोड अपने आप इस सेल्फी पे लग जाता है। मैं कह सकता हूँ कि फ्रंट कैमरा यहाँ पे इम्प्रेसिव है, जो कि 20 मेगापिक्सल का है इस फ़ोन पे, जो कि अगेन डिज़ाइन की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है क्वालिटी के हिसाब से, तो यहाँ पे बढ़िया सेल्फीज़ आपको मिल जाती हैं इस फ़ोन पे। ओप्पो रेनो का डायरेक्ट कंपटीशन जूम के मामले में वावे का P30 Pro रहता है, तो यहाँ पे हमने दोनों ही डिवाइसेस पे फुल जूम करके एक फ़ोटो लेने की कोशिश करी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों डिवाइसेस में हम पिंच टू जूम यूज़ करके इनके फुल जूम कैपेबिलिटी तक जा रहे हैं, और उसके बाद एक पोस्टर की जो है यहाँ पे फ़ोटो लेने की कोशिश करें, और इसके एंड रिजल्ट्स आपको दिखा देते हैं, जिससे आपको भी आइडिया लग जाएगा कि किस फ़ोन की क्लैरिटी कैसी है व्हेन इट कम्स टू जूम, क्योंकि यहाँ पे 60x तक का जूम मिल जाता है आपको ओप्पो रेनो के अंदर, जबकि 50x का जूम मिलता है आपको P30 Pro में, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अब इस फोटो को देख के यहाँ पे बहुत से लोगों को लगेगा कि P30 Pro की फ़ोटो ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू ओप्पो रेनो, जबकि ओप्पो रेनो में और भी हाई लेवल का जूम यहाँ पे मिल जा रहा है, और जब हम जूम इन कर रहे थे तो ज़्यादा स्टेबिलिटी हमें ओप्पो रेनो के यूज़र इंटरफेस पे देखने को मिल रही थी, और फोटो क्लैरिटी अगेन 50x पे दोनों की सेम है, हालाँकि 60x पे ज़्यादा जूम आपको मिल जाता है ओप्पो रेनो में। तो ये थी हमारी तरफ से क्विक अनबॉक्सिंग और साथ ही साथ फर्स्ट लुक रिव्यू इस फोन का। मुझे तो ये फोन बहुत अच्छा लगा है, आप लोगों को कैसा लगा है ये जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, साथ ही साथ अगर कोई क्वेरीज क्वेश्चन है तो वो भी लिख दीजिएगा, और इस फोन का एक डिटेल्ड कंपैरिजन हम करने वाले हैं P30 Pro के साथ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका एक फीचर्ड वीडियो भी आने वाला है तो उसके अंदर आपको सरप्राइज मिलने वाला है, तो अगर उस सरप्राइज के लिए आप रेडी हैं तो हमारी GT फैमिली में जुड़ जाइए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।